हाय गाइस, वेलकम टू ऑल मोबाइल सॉल्यूशन। माय नेम दिलशाद हुसैन। दोस्तों, आज के लेटेस्ट टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, रेडमी ईयरबड्स 3 प्रो के बारे में बताऊंगा। और इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले अनबॉक्सिंग के बारे में ही मैं बता रहा हूँ, पर उससे पहले आप यूज़ कर रहे हैं, इसका प्राइस कुछ जितना ज़्यादा नहीं है, 3000 में आपको मिल जाएगा। अमेजोन पर आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चेकआउट करना है तो वाटर टेस्टिंग के बारे में बताया गया है ये वीडियो में। और इसके अंदर कैसा रहता है, जैसे आप स्पोर्ट जो भी स्पोर्ट में जो करते हैं, वर्कआउट या योगा या वॉकिंग जो भी करते हैं ना, तो जैसा पसीना आता है, जैसा आप यूज़ करते हैं तो कान में कैसा पसीना आता है, तो उसमें ख़राब होने का चांस रहता है। तो ये एयरबड्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि IP4 दिया है। तो वाटर टेस्टिंग के बारे में ऑलरेडी चेकआउट आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है अनबॉक्सिंग करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलो, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। MI का ब्रांड है रेडमी ईयरबड 3 प्रो हाई डेफिनेशन वायरलेस ऑडियो ईयर। 4 फीचर की बात करेगा, फर्स्ट आप देखेगा डबल ड्राइवर, सेकंड अक्टाकोर QCC3040 चिपेस दिया है, थर्ड वाला अक्टाकोर APTX सपोर्ट दिया है, बैटरी बैकअप देखेगा अप टू 30 आवर्स प्लेबैक टाइमिंग दिया। बॉक्स के पीछे आप देखेगा MRP 6000 दिया है। ऑनलाइन आप बाई करना चाहते तो 3000 में आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप बाई करना चाहते तो बाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर का अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। बॉक्स को ओपन कर लेते पहला, और इसके अंदर क्या क्या मिला सब आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट आप देखेंगे रैप निकाल लेता हूँ मैं, इसके नीचे आप देखेंगे तो रेडमी लिखा हुआ है ब्लू कलर में। इसके अंदर 3 कलर आता है, ब्लू वाइट पिंक कलर का आता है। और पीछे बैक में देखेगा रेडमी ईयरबड 3 प्रो लिखा हुआ है, बाकी का इन्फॉर्मेशन मॉडल के साथ दिया हुआ है। बैक साइड देखेगा टाइप सी पिन दिया, पोर्ट चार्जिंग, इसके अंदर क्या क्या मिला वो सब कुछ बताएगा, और LED दिया। इसको ओपन करने से पहला बॉक्स के अंदर और भी देख लेते क्या मिला हुआ है। इसके अंदर कैटलॉग दिया है इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कैसा यूज़ होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। और आपको इसके स्पेसिफिकेशन जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बॉक्स हटा लेता हूँ, और इसके अंदर आप देखेंगे छोटे से बड्स दिया है यूज़ करने के लिए, मतलब कान में आपको कौन सा कंफर्टेबल लगेगा। दोस्तों, आप देखेंगे इसके अंदर ओपन में कर लिया हूँ, आप देखेंगे LED ऑन हो गया है वाइट कलर में। और इसके अंदर फिंगरप्रिंट टचिंग दिया है, जैसे आप 2 बार क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो सॉन्ग बज रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, 2nd बार आप करते हैं तो ओपन हो जाएगा, प्ले हो जाएगा आपका सॉन्ग। तो आपको इसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा। और फर्स्ट आपके पास रेडमी का मोबाइल होगा तो सेम आप एक्सेस कर सकते हैं, ये जैसा ओपन करेंगे ऑटोमेटिक आपको एक पॉपअप आएगा आपके मोबाइल पे और चालू हो जाएगा। पर फिलहाल मैं, अगर आपके पास अदर फ़ोन रहेगा जैसा एंड्रॉयड में, तो वो भी कैसा यूज़ होता है वो भी मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। एकदम ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसा ब्लूटूथ फंक्शन में आप जाइए और एक केस ओपन कर सकते हैं आप, और ब्लूटूथ में जाएगा तो सर्च हो जाएगा फर्स्ट में रेडमी ईयरबड्स प्रो, इसको क्लिक किए 100% ऑडियो बैटरी बैकअप सब बता रहा है। जैसा इसके अंदर बैटरी आपका कम भी होता है तो इसके अंदर आपको कैपेसिटी इसके अंदर बता देगा। तो अभी मैं बैक हो जाता हूँ, उसका साउंड क्वालिटी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, आपको इसकी साउंड बता दूंगा। साउंड बताने से पहला मैं आपको इसके बारे में ये बता देता हूँ। आप ये देखेंगे इसका चार्जिंग का कनेक्शन दिया है, ये पित्तल का आप देख रहे हो डबल डॉट, इसके अंदर कनेक्ट होता है तो ये चार्ज होता है, तो ये मैक्सिमम आपका चार्जिंग पूरा फुल हो जाएगा, तो 7 आवर्स यूज़ कर सकते हैं आप, 7 घंटा कम से कम मैक्सिमम आपका चलेगा, और 30 आवर्स पूरा बैटरी चलेगा। इसकी MAH की बात करेगा तो 300 mAh दिया हुआ है। और ब्लैक कलर का स्पोर्ट आप देख रहे हो, ये सेंसर दिया है, मतलब आप कान में डालते हैं तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होएगा और ऑटोमेटिक प्ले होएगा आपका सॉन्ग, और जैसा कान से आप निकाल देते हैं तो आपका सॉन्ग बंद हो जाएगा। तो आपको मैं टेस्टिंग करके भी बता दूंगा कैसा होता है। जैसा ये मैंने प्ले करता हूँ, आप देखेंगे सॉन्ग चल रहा है, ये अभी ये हटाऊंगा उंगली तो बंद हो जाएगा, देखेंगे तो आप प्ले है, अभी ये बंद हो गया, ये डॉट ब्लैक कलर का, फिर मैं टच करूंगा तो प्ले होगा। अभी इसका साउंड क्वालिटी आप सुन लिए, फिर से मैं एक बार दिखा देता, आप देखिएगा क्वालिटी कैसी, आपको खुद आइडिया मिलेगा। और ये कान में आप डालोगे तो एकदम कंफर्टेबल रहेगा। और इसके अंदर केस के अंदर क्या क्या है मैं सब आपको बताऊंगा। इसके अंदर चार्जिंग आप लगा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर पावर बटन दिया है, इन केस कभी आपका ब्लूटूथ आप एक्सेस करते हैं और ये ब्लूटूथ आपका कनेक्ट नहीं हो रहा
तो ये बटन आप प्रेस करेंगे तो एलईडी आपका 5 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में आपका रीस्टार्ट होएगा, मतलब जैसा ब्लूटूथ का ऐसा हैंग जैसा हो जाता है, तो ये बटन इसके अंदर रहेगा, प्रेस करना एलईडी ब्लिंक होएगा, रीस्टार्ट होएगा, फिर से आप एक्सेस कर सकते हैं इसको, एकदम परफेक्ट चलेगा। इसके अंदर तीन कलर आता है, ब्लू वाइट पिंक कलर, और इसका ऑक्टा कोर QCC304 दिया हुआ चिप इस, और ऑक्टा कोर APTXT दिया हुआ है, और इसके अंदर MIUI पॉपअप दिया हुआ है, और मल्टी टच दिया हुआ है इसके अंदर, मतलब जैसा आप जो भी फंक्शन यूज करेंगे सब कुछ चलेगा, और वाटर रेजिस्टेंट दिया है, जैसा आप वर्कआउट करते हैं या जिम करते हैं या जो भी जॉगिंग योगा, तो इसके अंदर कैसा पानी में भी जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वर्किंग होगा, फिर भी वाटर रेजिस्टेंट दिया है, फिर भी आप सेफ्टी से यूज़ करो उसको,